हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल से डीके। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो संकेर ट्रेडर्स लिमिटेड। जी हाँ, ये एक ट्रेडिंग सेक्टर कंपनी है। यदि बात करूँ इसके करंट प्राइस की तो आप देखोगे 3.12 रुपये पर फिलहाल से ट्रेड कर रहा है और आज हमें इसके अंदर फिर से 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसका क्या सपोर्ट लेवल रहने वाला है, किस लेवल से आपको है इसके अंदर फिर से जो है अपर साइड देखने को मिल सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि हम जितने भी नए कंटेंट लेकर आए वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर हम बात करें इसके लेवल की, इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 2 रुपये है। जी हाँ, 2 रुपये इसका सपोर्ट लेवल है। इसमें जो आपको 2 रुपये से पहले ही अपर सर्किट देखने को मिल जाएगा। इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 2 रुपये ही है। अगर ये 2 रुपये को ब्रेकआउट कर देता है, जी हाँ, अगर ये 2 रुपये को ब्रेकआउट कर देता है तो फिर हमें ये 150 तक भी आते देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको इसके अंदर जो है 2 रुपये से पहले ही अपर सर्किट देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसके 52 वीक हाई की बात करूँ तो आप देख सकते हो इसका जो 52 वीक हाई है वो 4 रुपये है और जो 52 वीक लो रहा है ये 40 पैसे इसका 52 वीक लो रहा है। अगर हम बात करें इसका मार्केट कैप की तो 52.5 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है, जो कि अच्छा है। आप किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसके फंडामेंटल जरूर चेक कर लिया करो। तो आइए हम भी एक नज़र इसके फंडामेंटल पर डाल लेते हैं। अगर बात करूँ इसके मार्केट कैप की तो 52 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है। स्टॉक पी रेशो की बात करें तो 154 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 1.5% है। EPS की बात करें तो 2 पैसे इसका EPS है। पब्लिक होल्डिंग आप देखोगे 100% इसके अंदर जो पब्लिक होल्डिंग है, ना तो प्रमोटर की होल्डिंग है और ना ही कोई FIDI किसी के अंदर होल्डिंग है। जो भी होल्डिंग है इसकी वो पब्लिक की है। अगर बुक वैल्यू की बात करें 2.40 रुपये इसकी बुक वैल्यू है और जो फिलहाल ट्रेड कर रहा है वो 3 रुपये है, यानी कि ये अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो नेगेटिव में है। हम कंपनी पर डेट की बात करें तो 6.84 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है और जो इसका एनुअल प्रॉफिट है वो 2 लाख है। इन्वेस्टमेंट आप कंपनी की देखोगे 35.03 करोड़ की है, जो कि बहुत अच्छी है। और जो इसका डेट है ये 6 करोड़ का है, यानी ये तब चाहे जब जो है डेट पे कर सकती है तो हम इसे डेट फ्री ही कंसिडर करेंगे। फेस वैल्यू 2 रुपये है। इसके जो फंडामेंटल है आप देख सकते हो कुल मिलाकर ठीक ही है। कंपनी के ऊपर जो डेट है वो भी ये कंपनी धीरे धीरे कम करती जा रही है। अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 2.40 रुपये है, यानी कि अपनी बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये भी अच्छी बात है। इसमें जो नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं वो प्रमोटर होल्डिंग को लेकर है, जो कि 0 है। इसकी जो पब्लिक होल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो आप इसके अंदर कम अमाउंट ही निवेश कीजिए, अधिक अगर आप इसके अंदर निवेश करोगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।